हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब आई होप सो आप सब अच्छे ही होंगे और आज का ब्लॉग मैं किचन में मेरे क्या बना है तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ तो आज का ऐसा ब्लॉग में शायद पहली बार ही मैंने ऐसा बनाया है कि आज मैंने किचन में क्या बनाया है और इस समय शाम का समय है और मेरी बेटी समय सो रही है तो क्या होता है जब वो सोती है तभी मैं वीडियोज़ बना पाती हूँ वरना वो मुझे कोई काम नहीं करने देती है तो वो सो रही है जब तक हम जल्दी से अपना वीडियो बना लेते हैं और आज मैंने क्या बनाया क्योंकि वो सोती है तभी मैं जल्दी से कुछ बना पाती हूँ तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं शाम की शुरुआत हम बाबा के आशीर्वाद के साथ करते हैं शाम का समय है घर में लाइट जलती है तो मैंने सबसे पहले मंदिर की लाइट खोल दी है तो हम मंदिर की लाइट बाबा के आशीर्वाद के साथ आज का ये मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और आज हमने बनाया है खाने में छोले और छोले हैं और भटूरे पुलाव मतलब क्या है किसी को भटूरे तो यूँ कहते हैं कि ये मेरा ऑयली होता है तो भटूरे मत बनाओ तो चावल बना लो प्लेन तो मैंने प्लेन राइस ही बनाए हैं और ये देखिए चकला मेरी मैं खाना बनाती हूँ मेरी बेटी भी साथ में बनाती वो है वो कहती मैं भी बनाऊँगी तो उसको भी बहुत शौक छाता है भी खाना खाना बनाने का और इसको मैंने छोले को पहले से ही भिगोरे रख दिया था तो ये देखिए आटा अभी भी लगा हुआ है वो भी मैंने जब दोपहर में खाना बनाया था तो इनके लिए मैं भी बनाऊंगी तो फिलहाल ये शाम को उस समय छः बजे सो रही है इस समय सोती है तो क्या रात में बहुत परेशान करती है तो सोने में तो मैं इसको थोड़ा सा जगा भी देती हूँ इससे कि ये जाग जाए तो जल्दी रात में सो जाए तो फ़िलहाल वो अगर सो रही है नहीं उठती है, मैं ज़्यादा ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करती हूँ उससे कि ये उठे क्योंकि बहुत रोती है फिर वो तो चलिए हम जब तो वो सो रही है हम छोले को बॉईल कर लेते हैं बॉईल करने के लिए मैंने सिर्फ उसमें नमक का यूज़ किया नमक और खाना सोड़े का मतलब मैं इसमें चाय की पत्ती का या उसको कलर का कोई यूज़ नहीं करती इसे काला करने के लिए जैसे छोले हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ और मेरे झट पर खाने सोने से हमारे बहुत जल्दी बॉईल हो जाते हैं क्योंकि पहले ये भिगोए हुए, हुए पहले से ही है हमने इसको मॉर्निंग में भिगो दिया था कि हमें आज छोले बनाने हैं और हम इसको बनाने जब तक बॉईल होते हैं जब तक हम टमाटर की ग्रेवी बना लेते हैं तो टमाटर की ग्रेवी के लिए मैं सिर्फ टमाटर अदरक और हरी मिर्च की ही बनाती हूँ मेरे यहाँ टमाटर में मतलब मेरे यहाँ लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है मेरे जो पापा जी ससुर जी हैं वो बिल्कुल भी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो मेरे घर घा, में मेरे घर में खाने में सिर्फ शादा खाना बनता है बिना लहसन प्याज के और मेरे घर में लहसुन तो प्याज बिल्कुल नहीं आता है जब हम को खाना होता है हम लहसन वैसे हमारे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं खाता है बट तो प्याज कभी कभी खा लेते हैं बट तो घर पे नहीं खाते जैसे कि रेस्टोरेंट में गए शादी में गए तो ऐसे हम प्याज खा लेते हैं बट तो मैं ही खाती हूँ मेरे पापा जी वाला ये पापा जी हुए ये भी मेरे बहुत ही कम खाते हैं और ये हमारी ग्रेवी इस तरह से तैयार है और ये देखिए ग्रेवी मेरी तैयार है जैसे मेरी बेटी भी उठ गई है अब वो उड़ गई है तो कह रही है अब गोद में ले गई उसको क्योंकि तो अब मैंने उसको उठा दिया था तो ना, मैंने उसको वो जल्दी जग गई नहीं जगाऊं जगाऊँ तो वो सोती रहेगी तो रात में परेशान करेगी बहुत और अब वो फ़िलहाल तो आधा घंटा अपने को मनाने में ही लगाएगी गोद में ले रहो उसको और तब तक फिर हम तैयारी कर लेते हैं तो हम मैंने पहले तैयारी कर ली है छो मैंने प्लेन राइस बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी को प्लेन राइस ही ज़्यादा पसंद है और इसमें हम भटूरे भी बनाएंगे आज ये तो भटूरे जिसको भटूरे खाने हैं वो भटूरे खाए और क्या कहते हैं ऑयली हो जाते तो मैं प्लेन राइस भी बनाती हूँ साथ में और जो मैं भटूरे बनाती तो भटूरे में ना सूजी ज़्यादा और मैदा कम का सूजी के भटूरे बनाती हूँ और हम नाने छोले में जो मैंने मसाले ऐड करती हूँ ये दिल्ली में मसाले मिलते हैं मतलब तो जो पैकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये नंद जी के हैं चना मसाला मतलब तो इसका जो, जो मसाला है काफ़ी इसका अच्छा है मतलब एकदम खड़ा मसाला है जैसे कि हम घर में जो मसाला बनाते हैं गरम मसाला घर में खुद को पीस के जब बनाते हैं तो ये खड़ा मसाला है जैसे कि हलवाई वाले जो शादी में मसाला ऐड करते हैं तो ये वही मसाला है तो ये मसाला मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसके छोले के लिए तो हम ये मसाला ज़्यादातर ऐड करते हैं इसमें और इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा इसमें मुझे कलर वाला कुछ भी ऐड करने की जरूरत तो नहीं पड़ती ये दिल्ली में मैं मेरे पापा जी ने सुना दिल्ली में छोले भटूरे बनाते बहुत ही फेमस है तो वो ये मसाला ऐड करते हैं तो उन्होंने उनसे ही पूछ के इस तरह से ये देखिए ये एकदम तो खड़ा सा मसाला है इससे इसका छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है मतलब मैं घर के मसाले भी ऐड करती हूँ बट आप बस यही डालें तो भी आपको मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है नींद भी पूरी हो गई है उसकी तो शाम को थोड़ी सी किसने बनाई है छोटी भी बनाई है तीन छोटी बनाई है उसकी मम्मी जी ने और ये अब हमारी खाना बिल्कुल रेडी है खाने और खिलाने के लिए और ये भी आ गए हैं तो आज हमने सूजी के भटूरे देखे बिल्कुल फूले हैं और मैंने छोले में मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर दी क्योंकि मेरी मम्मी जी और मेरे ये भी मसाले कम खाते हैं और मेरी बेटी भी कम खाती है और हरी चटनी अचार के साथ प्लेन राइस तो हमारी थाली अब बिल्कुल तैयार है खाने और खिलाने के लिए तो गरम गरम मैं खाना देने जा रही हूँ तो आज का वीडियो हमारा यहीं तो हाय गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है आई होप्स so, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो से गुड बाय फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट वीडियोज़ देखने को मिलेंगी बाय बाय